इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? 5 सालों में पूरे पूरे सीजन पानी नहीं आया। इतनी बारिश होने के बाद जो हनुमानगढ़ गंगानगर डूबने के कंगार पे और खाजूवाला प्यासा बैठा है। कितना विकास हुआ है खाजूवाला विधानसभा? 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई है उतनी योजनाएं भाजपा ने कभी सोची नहीं थी। सब ने मिल के हमें सबको ऐसे उखाड़ा जैसे हम कोई पाकिस्तानी। हजारों घर बर्बाद हुए, बिजली नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और हम लेकर आए फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा और आप पहुंचे बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा सीट पर। इस वक्त यहां से विधायक कांग्रेस का, लेकिन पिछले लंबे समय से कांग्रेस से पहले भाजपा का यहां पर कब्जा कायम था, लेकिन कांग्रेस ने आखिर में चुनौती दी और कांग्रेस ने यहां पर अपनी सीट जमाई। लेकिन अगली बार दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती होगी क्योंकि सियासी दांव पेच जबरदस्त होगा और चुनौती किसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी और किसके लिए आसान ये भी हम देखेंगे। लेकिन चुनावी मुद्दे टटोलने के साथ साथ इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा ताकि जनता के मुद्दे तो सुनेंगे ही, पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक सब यहीं पर मौजूद है। बात सवाल में भी और जवाब में भी दोनों पक्ष यहां पर होंगे, एक से सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब भी यहीं पर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राघव। जब इंदिरा गांधी नहर आई तो खाजूवाला इलाका सरसब्ज हो गया था। लोगों के मन में उम्मीदें जागी थी कि खाजूवाला भी बाकी कस्बों से आगे तेज सरपट दौड़ेगा, लेकिन पानी की कहानी आज भी वैसी ही है और हालात ज्यादा बदले नहीं हैं। ये बात सही है कि 2008 से पहले ये लूणकर्णसर विधानसभा का हिस्सा रहा, लेकिन सुरक्षित सीट होने के बाद लगातार भाजपा के डॉक्टर विश्वनाथ 2 बार जीते। कभी भाजपा में रहे गोविंद मेघवाल कांग्रेस में आए और कांग्रेस से इस बार बड़े अंतर से चुनाव भी जीता। काबीना मंत्री भी हैं, मुद्दे भी होंगे, सवाल भी होंगे और जनता की राय भी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि किन मुद्दों पर यहाँ की जनता इस बार वोट का मन बनाए हुए हैं। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं, चूंकि कहानी पानी की कहीं ना कहीं खाजूवाला को बनाने में बिगाड़ने में जुड़ी रहती है, तो पूछते हैं नरेंद्र आर्य से। आज भी जब एक तरफ हम बात कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो पंजाब से आ रहा पानी हनुमानगढ़ में तो परेशान कर रहा है, लेकिन यहाँ फसलें सूख रही हैं। क्या पानी सियासी मुद्दा है यहाँ पर? बिल्कुल, पानी सियासी मुद्दा है और पानी इन 5 सालों में पूरे सीजन पानी नहीं आया। अब 4 महीने बाद अनूपगढ़ शाखा में एक बारी मिली है, केवल एक बारी। आप समझ सकते हैं 4 महीनों में एक बारी क्या कोई फसल हो सकती है? ऐसे अकेले अनूपगढ़ शाखा नहीं, पूरी इंदिरा गांधी नहर में ऐसा ही मामला है। तो पानी नहीं मिल रहा है, पानी की कहानी जब भी होता है, पहले ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, फिर भी चीजें नहीं हुई। क्या मानते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, कैसे समझाएंगे कि भाई पानी तो नहीं मिला पाए हम? स्थिति यह है कि पानी का जो मुद्दा है, वो पानी का जो भंडारण था वो काफ़ी वर्षों पहले निर्माण हुआ था पोंग बांध का, और उसके बाद जो हमारी पेयजल योजना थी बाड़मेर तक, उसको कृषि योजना बनाकर पानी सिंचाई के लिए दिया जाने लगा है। तो उसके बाद ये केंद्र सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डैम है उनकी क्षमता बढ़ाई, क्योंकि वो डैम जो है वो 3-4 स्टेटों के लिए बना हुआ है, उसमें 3-4 राज्यों के लिए पानी जाता है। रही बात कि यहाँ पानी की कमी है, निश्चित रूप से जब भी बरसात की कमी होती है तो पोंग बांध में पानी नहीं आता, तो पानी की कमी हमेशा रही। पर जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि इन्हीं 5 वर्षों में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल निराधार और झूठे आरोप हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक ही किसान को यहाँ से गोली के माध्यम से मारा नहीं है, और पिछली भाजपा सरकार ने 2004 में वसुंधरा राजे की सरकार ने किसानों को इतना प्रताड़ित किया कि पेयजल के लिए पानी नहीं दिया और लगभग 7-8 किसानों की यहाँ मौत हो गई आंदोलन के। मुद्दे की है, ये बात सही है कि पानी की समस्या है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं डिंपल ये भाजपा पर कि गोली नहीं चलाई, पानी हम हो सकता है ना दे पाए, लेकिन किसान मारे नहीं गए, एक आरोप लगता है पिछली से पिछली सरकार पर। सवाल बनता है, क्या सोचती है भाजपा, क्या लगता है पानी के साथ साथ और किन मुद्दों पर वो वोट मांगेंगे? देखिए, पानी के साथ साथ और मुद्दों पर बात करेंगे लक्ष्मण जी, लेकिन एक पानी के मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि 2018 में जब यही मुद्दा था कि सिंचाई के पानी की भी बात कही गई थी, कि इसके बाद जब सरकार आई कांग्रेस ने तो ये काम नहीं किया, लेकिन भाजपा इसको करने में कहां असफल? भाजपा आएगी, सरकार आएगी तो पानी का पर्याप्त, और जब आज मैं यह पानी की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में जो पहली बार इतनी बारिश होने के बाद जो हनुमानगढ़ गंगानगर डूबने के कंगार पे है और खाजूवाला प्यासा बैठा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज जुलाई के माह में जो डैम की स्थिति आज 1374 से ऊपर है, और फिर भी खाजूवाला प्यासा मर रहा है, और प्यासा जो आज के यहाँ के कैबिनेट मंत्री है और यहाँ का विधायक है, कोई तस का मस नहीं हो रहे, कोई किसान। एक बात कही शुरुआत में कि भाजपा आएगी तो काम,
काम होगा। लेकिन अगर ये बात मैं कहना चाहूंगी, इससे पहले तो भाजपा थी, काफी समय तक शासन किया यहाँ पर, उसके बावजूद भी पानी वाली समस्या का क्यों हल नहीं निकला? पानी पिछले 5 सालों में लगातार नहीं आया। इससे पहले जब पानी डैम में नहीं होता तब एक अलग समस्या थी। इस बार तो राजस्थान सरकार ने मंत्री भी, एक भी मंत्री पूर्णकालिक नहर का नहीं बनाया है, 2-3 हिस्सों में बांट रखा है। और जब भी भाजपा सरकार होती थी वो यहाँ का स्थानीय और नहर का जानकार मंत्री बनाती थी, और अब भी जो वर्तमान नहर का मंत्री है वो पानी के बारे में जानता ही नहीं है। पिछले 5 सालों में कह सकते हैं बजट में इतनी योजनाएं दी बिजली को यूनिट फ्री करने के बाद और गैस सिलेंडर में राहत दी, उससे कहां जनता को एक तरह से फायदा पहुंचा है? नहीं पहुंचा। नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचा है, ये निर्थक बात है। ये एक योजना तो नहीं लेकर आए हैं, जबकि जनता के लिए ये एक झूठी और अफवाह के लिए ही पोरपंडा है। चलिए, ये कहना कि जो योजनाएं हैं वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, घोषणावीर है कांग्रेस, सिर्फ घोषणाएं हुई लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं आया, ये भी मुद्दे है कि इनका कहना है कि 5 साल में ही ऐसा पानी की कमी है। जरा पूछिए, कांग्रेस का शासन होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की इस कमी का लेकर क्या समस्या है जो हल? बिल्कुल डिम्पल, सवाल बनता है, सीमा से सटा इलाका है, पाकिस्तान से सटा इलाका, लेकिन पिछड़ापन भी यहाँ पर ऐसा लगता है आज भी गया नहीं है। पानी के साथ साथ कहानियां कुछ और भी हैं, अवध खनन जैसे मुद्दे पर आरोप लग रहे हैं आपके विधायक पर, इसके अलावा भी कुछ आरोप आते हैं, क्या जवाब है उनका? क्या वाकई ये बात है या किन मुद्दों पर आप लेकर जाएंगे जनता के बीच, कैसे समझाएंगे कि आपके विधायक ने ये काम किए? हमारे विकास पुरुष ने पिछले 5 सालों में अनेकों विकास कार्य करे हैं, हमारे पास लंबी लिस्ट है। अभी महंगाई राहत शिविर जो लगे हैं उनमें आम जन की पीड़ा सुनने के लिए वो डोर टू डोर हर कैंप में गए हैं। रही बात अवैध खनन वाली, तो ये तो सर कोई इश्यू नहीं है, अवैध खनन कैसे हो रहा है क्या? जो पानी की बात कर रहे हैं इसमें मैं मानता हूँ इस बात को कि इंडियन जनरल में चीफ कमिश्नर ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, कि वो जब ये पंजाब गवर्नमेंट ने इसको पानी रोका गया तो इनको इंडियन भेजना था। वो हम करेंगे, इनसे बात करेंगे। एक चीज़ और, क्या मुद्दे और हैं मैं पूछना चाहता हूँ, और कौन से मुद्दे जिन पर आप चुनाव में वोट मांगेंगे? वोट सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है, और विकास कार्य के नाम पे जो कांग्रेस भ्रष्टाचार फैला रही है, खजुराड़ा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि जनता त्राही तरह का भ्रष्टाचार हो, आप आरोप लगा रहे हैं क्या? विभाग में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में। देखिए, मुझे लगता है डिंपल, दोनों पक्ष मुखर हैं, लेकिन मुद्दे की जो बात है, जैसा कि मैंने कहा कि पानी की कहानी यहाँ की सियासत में हमेशा से भारी रही है, तो कांग्रेस से अब जवाब आप लीजिएगा। पानी के साथ साथ ठीक है, पानी को लेकर समस्याएं, और पानी पैदा नहीं किया जा सकता, ये आप भी बेहतर जानते हैं, और किन मुद्दों पर वो जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे? कांग्रेस के पास इतनी योजनाएं हैं जितनी बजट में दी है, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो, बिजली हो, गैस सिलेंडर हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ये कहना है कि गैस सिलेंडर उतने ही महंगे आ रहे हैं, 500 में तो छोड़ो 700-800 तक में भी नहीं मिल रहा, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से 56 लाख परिवारों को यहाँ गैस सिलेंडर है वो सस्ती कीमत पे मिल रहे हैं। जो उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन था, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के जो लाभार्थी हैं उनको जो है 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, क्योंकि वो गरीब परिवारों के लोग हैं, इसलिए उनको जो 56 लाख लोग परिवार हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 600 करोड़ के काम हुए हैं, 114 टंकियां पहली बार, ऐतिहासिक काम हुआ है। इनसे पूछने वाला है पिछले 10 साल का आप रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए, और एक तरफ चंद दिनों के बाद 5 साल के साफ तौर पे ये अपनी आवाज बुलंद करके बोल रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए पिछले 10 सालों का। यहाँ से बताइए, महंगाई राहत कैंप कितना काम कर रहा है जो सरकार ने चला रखा है? ऐसा है, काम तो बहुत हो रहा है, और खाजोड़ा में विकास भी हुआ है, सिर्फ आदमी विकास नहीं हुआ, सड़का बनी है और नगर पालिका बनी है, तो काम तो होगा, तो नगर पालिका आई है तब धीरे धीरे विकास होगा। चलिए, इनका कहना है विकास के मुद्दे हैं, और जैसे जैसे विकास शुरू हुआ है धीरे धीरे और ज्यादा होगा, लेकिन जितनी योजनाओं की बात है एक तरफ से, और यहाँ के विधायक की भी बात है, इन्होंने साफ तौर पे कहा अपनी आवाज बुलंद करके कि उनसे पहले का रिपोर्ट कार्ड पूछिए, कि इस 5 साल का तो काम छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले भाजपा ने इतने लंबे तक शासन किया क्यों नहीं हुआ? आत्मावलोकन से ज्यादा फोकस ये है कि दूसरे ने क्या किया। ले लेता हूँ मैं सवाल जो आप कह रहे हैं, यहाँ पर पूछ लेता हूँ मैं लोगों से, क्या भाई क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार तो पिछली सरकार में हुआ, आवंटन गिना रहे हैं, फाइलें बता रहे हैं। बिल्कुल, अब बता रहे हैं, ये पहले IGNP की बात करते हैं। IGNP में पहली बार 3200 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और दोबारा नवीकरण शुरुआत की, ठीक है। दूसरी रही बात पेयजल की, किरण माहेश्वरी जी मंत्री थे तब इन्होंने 550 करोड़ की DPR बनाई, उसका आज काम चल रहा है। अब ये कह रहे हैं विकास आपने कराया, तो भाई कांग्रेस ने कुछ तो कराया होगा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, यहाँ की सीमा तक खो डाला, जिप्सम में भ्रष्टाचार किया, हर जमीनों में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा किया, यहाँ के जीरो अर्थक सीमा तक खो डाली है। और हमारे महंगाई राहत का देखो, ये बिल देखो, बिजली फ्री कर रखी है, ये बिल देखना आप, दिखाओ, ये बिल है, ये 27 किसका है, 460 रुपए, ये बिल देखो।
देखिए बिल्कुल डिंपल इसका जवाब लेती है। डिंपल ये बिल दिखा रहे हैं, कांग्रेस के जो पीसीसी सचिव जैसे लोग यहाँ पर हैं, ये बता रहे हैं कि बिल में राहत नहीं मिल रही। अब जरा पूछ लीजिए कि वाकई ऐसा है क्या? देखिए बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले भी सवाल किया गया था, लेकिन यहाँ से भी पूछने चाहेंगे। बिल को लेकर बातचीत जहाँ की जा रही है, फिर इसमें ये कहा बातें आ रही है, जब कांग्रेस ये दावे कर रही है कि बिल में राहत मिल रही है, उसके बावजूद भी क्या सिर्फ घोषणाओं की बात है? वर्तमान अप्रैल तक का जिनका बिल भरा हुआ है उनके बिल बिल्कुल जीरो आए हैं मैडम। अच्छा, अप्रैल के बाद तक के जो बिल आ रहे हैं वो जीरो? इन्होंने पीछे बिल नहीं भरा, इसकी वजह से वो पेनल्टी लग के आ रही है और ये लेके आ गए बिल, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखो लेकिन ये इससे पहले और भी कई जगह है जो मुद्दा आया है, मुझे बताइए कि ऐसे कौन से 5 काम है जो कांग्रेस ने कराया था? देखिए मैं रालोपा से हूँ और यहाँ राजस्थान के देश की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने देश को लूटने का काम किया। आजादी के 75 वर्ष बाद आजादी के 75 वर्ष बाद भी किसानों को पूर्ण रूप से पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। चलिए यहाँ से जवाब पूछना चाहेंगे, पहले मुझे वो बात बताइए कौन से मुद्दे थे ऐसे जिस पर कांग्रेस काम कर सकती थी, भाजपा काम कर सकती थी, लेकिन हुए नहीं। पिछले 5 साल में इन्होंने केवल और केवल स्कूलों की घोषणाएं की है, उसमें टीचर नहीं है, और इन्होंने 5 साल 4 साल विपक्ष में कोई काम नहीं किए। अगर ये 4 साल विपक्ष में उठ के बोलते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती। 4.5 साल इन्होंने केवल और केवल स्कूलों की घोषणा की, उसमें आज भी टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर। ये बात कांग्रेस की हो गई, भाजपा की बताइए। तो पहले भाजपा का था शासन, भाजपा में था विकास। मैडम कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे पहले हमें रोजगार खत्म कर दिया, हम लोगों को रिश्ते लगा दिया, आज रोड पे बैठे हैं सारे, आज हमें 2 महीने हो गए आज पूरे नगर। लक्ष्मण जी, शिक्षा और बेरोजगार का मुद्दा, साफ तौर पे आम जनता का ये कहना है कि खोली गई स्कूलें 2 कमरों की स्कूलें हैं, जर्जर इमारतें और शिक्षक नहीं है, बच्चों का सिलेबस तक पूरा नहीं हो रहा, रोजगार खत्म कर दिया सरकार ने, उस पर भी जवाब मांगी। देखिए डिंपल बिल्कुल शिक्षा का उजियारा यहाँ पर जो है सरकार जो दावे कर रही वो नहीं पहुंची है। क्या क्या इशारा कर रहे हैं भाई आप? सर 1100 पद स्वीकृत है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 500 से ज्यादा खाली पड़े, ठीक है ना, और हायर सेकेंडरी की 53 स्कूल डॉक्टर की सुना देकर उन्नति की। भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार है ना, खुले हम भ्रष्टाचार हो रहा है। जिप्सम आप फिर हारे क्यों, इतने बड़े अंतर से क्यों हारे? अगर इतना कुछ कर रहे थे तो आप हार का कारण क्या था? विकास किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने और नेहरू का काम भी किया है, लेकिन ये जनता जनार्दन है वो एक अलग विषय है। जिनका कहना ये है, मैंने जब इनसे पूछा कि भाई आप फेरिस्त गिना रहे हैं ये किया तो 30,000 से कैसे हार गए, 30,000 का अंतर क्यों? लेकिन मुझे लगता है काम यहाँ पर इस बार भी जिस तरह के दावे हैं उतना नहीं दिख रहा है। कांग्रेस से जरा पूछ लीजिए और सुन लीजिए ना कि क्या क्या काम करवाए और कौन से ऐसे काम है जिन पर लगता है वोट आएगा। बिल्कुल उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। 5 साल का विकास, 5 साल होते हैं सरकार के पास काम करने के लिए, विधायक के पास काम करने के लिए, मुझे ऐसे कोई 3 काम बता दीजिए जो यहाँ के विधायक ने करे हो इन 5 साल। 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई है उतनी योजनाएं भाजपा ने कभी सोची नहीं थी। देश की आजादी के बाद खाजुला के नहरों का जीर्णोद्धार पहली बार हुआ है, 600 करोड़ रुपए का रीलेनिंग का कार्य हुआ है ये, उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत 114 पेयजल टंकियां बन रही है, और सड़कों की बात की जाए 77 से बीकानेर बहुत बड़ी विकट समस्या थी, इन्होंने 50 साल में नहीं बनाई, खाजुला के लोग पुरुष ने पहली बार बनाई। विधायक के दौरे कितने होते हैं आपके यहाँ पे, विधायक दौरे कितने करते हैं काम का जाए? प्रति सप्ताह यहाँ विधायक का दौरा होता है और जन सुनवाई करते हैं और हजारों किसानों की समस्याएं मौके पे अधिकारियों को फोन करके वो समाधान। लक्ष्मण जी तमाम मुद्दे यहाँ पर सुन रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि चाहे नहरों का जीर्णोद्धार हो, सड़कों को लेकर काम हो, पानी को लेकर काम हो, कांग्रेस ने काम किया है और ऐसी योजनाएं दी है जो भाजपा ने पहले अपने शासन में नहीं दी, कांग्रेस ने वो योजनाएं दी, वो चीजें आप देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में। जरा पूछिए भाजपा ने ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काम किया जिससे जनता को लाभ? सवाल बनता है भाजपा ने ऐसे कौन से 2-3 काम किए हैं केंद्र में? आपके सुनिएगा मेरी बात, आपके केंद्रीय मंत्री यहाँ से हैं, प्रधान मोदी के बहुत नजदीकी बताए जाते हैं, कौन सी ऐसी योजना लाती बताइए ना। यह भारतमाला सड़क जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और भारतमाला सड़क और दीनदयाल योजना में घर घर लाइट, जो घर घर लाइट सर खजुरा मंत्री तो भारतमाला से रेलन के सर यही बात सुनिए सर। देखिए बिल्कुल कितनी गहमा गहमी का माहौल हो रहा है, लगातार आपको दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है। देख रहे हैं पाकिस्तान सीमा से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों पर दोनों दल के नेता किस तरह से मुखर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जनता जनार्दन है, जो ये तय करती है कि विधानसभा में कौन जाएगा, उनकी समस्या क्या है, उनसे हम पूछते हैं। बताइए आप क्या मुद्दे हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या अभी क्या आपको सामने आ रही है? सबसे बड़ी समस्या हमें खोखा धारकों की आ रही है। 23 मई को हमारे खोखों को जो 39 साल से पड़े थे, पैसे भी भरवाए थे उनसे और ये वादा किया कि वैकल्पिक जगह दे करके आपको हम उठाएंगे, इतने नहीं उठाएंगे। लेकिन 23 तारीख को पूरी टीम बनकर कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब, पुलिस डीएसपी साहब और ये ईओ साहब सब ने मिल के हमें सबको ऐसे उखाड़ा जैसे हम कोई पाकिस्तानी। निश्चित तौर पर ये गलत हुआ, अगर इस तरह की कोई चीज हुई है तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे नहीं। 400 परिवारों को रोड पे लाके रख दिया आज हमें। सर युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है, हमारे जैसे युवा है वो खोखा पट्टियों में बैठ के काम धंधे करते थे, उनको बेरोजगार करने का काम किया है सर। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है इस कार्यकाल में। विकास के नाम पर, केवल और केवल विकास के नाम पर हमें बेरोजगार कर दिया गया सर। मुझे लगता है जो हुआ उसमें आप चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कोई मदद की? देखो नहीं, हम कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं। हमारा काम है, हमारा पुनर्वास होना चाहिए, वापस दुकानें मिलनी चाहिए और ये काम हो भी रहा है। देखिए ये सवाल जो है डिंपल, मुझे लगता है ये वो समस्या है, अतिक्रमण की बात है, लेकिन ये जरूरी है। एक्ट भी ये कहता है कि जब इस तरह से हटाया जाए तो पुनर्वासित किया जाना चाहिए। इनका कहना है 40 साल पुराने खोखे थे और हटा दिया गया यकायक। तो आप कांग्रेस के नेताओं से सवाल ले सकते हैं, उनको जिता के भेजा, ऐसा जो कुछ हुआ उस पर उनकी राय क्या है, क्यों ऐसा हुआ और क्या इनके पुनर्वास को लेकर वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल सवाल ये भी बनता है और इसके साथ साथ ये भी, आप जब बंद कैमरा बंद था तब आप एक बात कह रहे थे कि खाजू वालों की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि खाजूवाड़ा के ऑफिस खोलने के लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। 20 साल से खाजूवाला अपने पेड़ों पे जमा होकर खाजूवाला उस लेन पे आया, तहसील ऐसा ऑफिस बने। अभी अनूपगढ़ नया जिला जब 19 जिले बने उसमें अनूपगढ़ जिला बना दिया, कोई बात नहीं, खुशी है हमें, बनाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस जिले के अंदर खाजूवाला को अनूपगढ़ के साथ में मिलाया जा रहा है, जबकि हमारा खुद खाजूवाला जिले की जोड़ में था। जो 3 तहसीलों वाला जिला बन गया जिसकी 5 तहसीलें थी, अब मतलब जिला नहीं बन पाया, फिर इसको टुकड़े किए जा रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ की जनता पूरी परेशान है, आप चले अनूपगढ़ में जाना नहीं चाह रहे। लेकिन आप तो ये बात तो कांग्रेस से ही सवाल बनता है ना कि जब ये बात कही जा रही है कि खाजूवाला खुद जिले की दौड़ में होने के बावजूद अनूपगढ़ में क्यों शामिल किया? देखिए मैडम, पहले अभी जो राजस्थान सरकार ने 33 जिलों की घोषणा की है उसमें अनूपगढ़ जिला बनाया, और रही बात खाजूवाड़ा को जिला बनाने की, तो सर्वप्रथम तो देखो कोई डिमांड उठी नहीं खाजूवाड़ा को जिला बनाना है। चलिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी जरा पूछ लेते हैं, यहाँ पर कितना विकास है खाजूवाला विधानसभा की बात की जाए? विकास हमारा समान था खोखो में, वो हिसाब में ले गए चक्के टेटरों में डाल डाल के, खोखा तोड़ दिया और पाटा खोखा सारा डाल डाल के ले गए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट था ले जाऊंगा, हमारा हजारों घर बर्बाद हो गए, हजारों घर बर्बाद हुए 3 महीने से। कि आप ये कह सकते हैं कि दुख एक तरह से जनता का होता है जब विकास की बात कही जाती है, विकास की बात जब कही जाती है तो आखिर में जिनके लिए, जिनसे वोट मांगकर सत्ता पर बैठते हैं उनके दुखों को तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं सरकारों को, और जिनके लिए वोट मांगते हैं आगे वोट भी उनसे मांगा जाता है लेकिन उसके लिए काम भी नहीं होता, तो एक बड़े दुख की बात है। निश्चित तौर पर डिंपल, रोजी रोटी छीनना मुझे लगता है कोई भी सरकार को नहीं करना चाहिए, अगर हुआ है तो न केवल कांग्रेस जिम्मेदार है, ये भाजपा से भी सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष के होने के नाते आप लोग इस मुद्दे पर क्या कर रहे थे, क्या आपने कोई आंदोलन चलाया, क्या आपने कोई बात रखी? बिल्कुल चलाया साहब आंदोलन, बिल्कुल आंदोलन चलाया, और हमारे पूर्व विधायक साहब तो इतने तक के गए जेसीबी के आगे सो गए थे, लेकिन प्रशासन ने हठधर्मिता से जानबूझ के इनको उजाड़ा है। अच्छा, चलिए इस पर आते हैं। एक और बात, जिले बनाए हैं सरकार ने, जो जिले बनाए हैं खाजूवाला को लेकर बहुत सारी बातें हैं, कहा जा रहा अनूपगढ़ के साथ जुड़ेगा, क्या लगता है आपको खाजूवाला के भविष्य को लेकर, आप लोग क्या भाजपा के बन में? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो खाजूवाड़ा है, जो पंचायत समिति पहले बीकानेर होती थी, उसके बाद खाजूवाड़ा पंचायत समिति बनी, जो हमारा खाजूवाड़ा का जो पैसा होता था वो बीकानेर में लगता था, जब 2008 में हमारी पंचायत समिति बनी हमारा खाजूवाड़ा का डेवलपमेंट हुआ, वो स्थिति इस खाजूवाड़ा का जो अनूपगढ़ में जाने से होगी। जैसे ही खाजूवाड़ा को अनूपगढ़ में डाला जाएगा हमारे लगभग 8 डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले सो क्यों रहे हैं आप, तो बड़े चुप है। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन हमने आंदोलन किया, हमने आंदोलन किया 23 तारीख को एक जिला संघर्ष समिति गठित की थी जिसका मैं प्रवक्ता हूं, और 28 मार्च को खाजूवाड़ा बाजार पूरा बंद हुआ था। देखिए मुझे लगता है डिंपल, ये जो इलाका है दरअसल किसान बहुल एक तरह से है, खेती पर निर्भर है, यहाँ की धान मंडी जो होती थी
एक जमाने में ये माना गया था, वो चौपट हो गई है। तो दो बड़े सवाल है कि भाजपा भी कह रही है हमने आंदोलन किए, जिला बन रहा है अनूपगढ़, खाजूवाला को उसमें डाला जा रहा है, तो कुछ लोग विरोध में हैं, उनका कहना है नुकसान होगा बीकानेर से अगर अलग किया जाता है। तो सवाल ये बनता है कांग्रेस का क्या स्टैंड है और भाजपा भी चुप रही, इनका कहना है आंदोलन हमने किया है, तो इस पर क्या सवाल है आपका? देखिए बिल्कुल ये चीज पूछनी रहेंगी कि किसानों के लिए कर्ज माफी की जो बात हर जगह कही जा रही थी, उसके बाद सत्ता में आने के बाद वो बात किसानों के लिए क्यों नहीं हुई? कर्जा माफी की जो बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार बनते ही राहुल गांधी जी ने ये घोषणा जो की थी जो कर्ज माफी का, 10 दिन में कर्जा माफी जो डी कोऑपरेटिव बैंक है उनके सबके कर्जे जितने फसली ऋण थे सबके माफ किए हैं। किसान सिर्फ वही थोड़ी थे, बाकी भी तो। एक मिनट। अर्जुन राम ने वादा किया था पाकिस्तान जाने वाला पानी बंद होगा, केंद्र में वो नेतृत्व कर रहे हैं। स्केप बनाने की बात थी अनूपगढ़ और खाजुआला के बीच में, कहाँ बना हुआ स्केप? रेल लाइन आने की बात थी, कहाँ रेल लाइन? भारत माला से खाजुआला को वंचित कर दिया। पिछले जो 15 साल भाजपा का राज रहा है, तो उस राज में इन्होंने खाजुआला को इतना पिछाड़ दिया था, जो कि अब 5-4 सालों में राज्य सरकार ने और यहाँ के हमारे विधायक ने करोड़ों अरबों रुपए का बजट ला के स्थिति सुधारी है। चलिए देखिए ये है कि लक्ष्मण जी, इतनी बातें हमने यहाँ पर सुन ली, तमाम तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, दोनों एक तरह से पर हमलावर तो हो रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे को लेकर वाकई काम नहीं हुआ है। पर आप ये बताइए, जब आपके 10 साल थे उनमें कोई एक दो बातें बता सकते हैं जो कराई आप? सारी विकास नहर के 3200 करोड़ हमारे समय हुआ, विद्युतीकरण जितना भी हुआ है वो हमारे समय हुआ 10 साल में। डॉक्टर विश्वनाथ जी ने मतलब 3 220 के भी केस। बड़ा चिल्ला रहे थे, बताइए जरा, बहुत चिल्ला रहे थे। राघव शाह मेरी बात सुनो, हमारे राज में 10 साल में BADP का जो पैसा आता है 1 रुपया बाहर नहीं गया, पूरा का पूरा इस क्षेत्र में लगा है। विद्युतीकरण का काम सबसे ज्यादा तो हमारे राज में बीजेपी राज में हुआ है। डिंपल मुझे जो लगता है यहाँ पर जो मुद्दों की अगर हम बात करें तो पानी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अब ये कैसा सियासी रंग लेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, भाजपा का दावा है उन्होंने काम किया, लेकिन अगर हम जमीन पर देखें तो कोई बड़ा आंदोलन भाजपा भी खड़ा नहीं कर पाई है। तो दूसरी बात यहाँ पर जो निकल कर आती है वो ये आती है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को लेकर, लेकिन आरोप तो कैबिनेट मंत्री पर भी भाजपा लगा रही है, गोविंद मेघवाल पर भी। उनका कहना है कि काम के नाम पर खुद का विकास ज्यादा हुआ है। तो बात है, आखिर हम खत्म करें इससे पहले इस सवाल का जवाब लेना बनता है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ये एक और बात मैं करना चाहूंगी, यहाँ पर मेघवाल वर्सेस मेघवाल है। एक तरफ विधायक पर ये चीजें लग रही है कि विधायक ने आके काम नहीं किया, दूसरी तरफ बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि भाजपा में अर्जुन राम मेघवाल ने भी यहाँ पर काम नहीं किए, तो बताइए विधायक ने यहाँ पर काम किया इनके शासन में? तो मैं बताना चाहता हूँ मैडम कि ये जो दावे कर रहे हैं, इनके 10 साल विधायक ने यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय की व्यवस्था नहीं की, जो कह रहे हैं हम क्षेत्र का विकास कर देंगे, इनके कार्यकर्ता घूमते हैं कि हमारा कार्यालय कहाँ है। क्या एक मुद्दा बताइए, किस मुद्दे पर? एक मुद्दा 500 रुपए में हमें टंकी दे रहे हैं, आज तक किसी घर में एक भी टंकी नहीं मिली है। एक इन 5 सालों में सबसे बड़ी दुख की बात है कि कभी इस सरकार के समय में पानी का रेगुलेशन नहीं। खाजूवाला विधानसभा के तमाम मुद्दे हमने यहाँ पर सुने, ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया आया, और ये कह सकते हैं कि जो मेघवाल वर्सेस मेघवाल की भी बात थी वो भी यहाँ पर देखी गई। विधायक ने कितने काम कराए कितने नहीं कराए, चुनौती इस बार चुनावों में किसके लिए होगी, क्योंकि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव और फैसला करेगी जनता। जनता ने इन 4.5 साल में जो काम देखा और जिन्होंने काम के दावे किए, किसके साथ जाएगी जनता वो भी देखने वाली। निश्चित तौर पर पानी यहाँ हमेशा से मुद्दा रहा, इसके अलावा बात ये कही गई हॉस्पिटल और शिक्षा को लेकर जो काम हुए हैं उनमें कुछ खामियां हैं। विधायक और मंत्री पक्ष से गिनवाता है कि हमने इतने काम किए हैं कि पाकिस्तान सीमा से सटे इस क्षेत्र में विकास की बात होने लगी है, लेकिन करप्शन अवैध खनन जैसे मुद्दे भी मुंह बाएं खड़ी हैं। वाकई जनता जनार्दन है जो ये तय करेगी कि खाजूवाला में क्या गोविंद मेघवाल की वापसी होगी, या फिर डॉक्टर विश्वनाथ तीसरी बार आएंगे, या कोई नया चेहरा इस बार खाजूवाला से निकलकर जयपुर पहुंचेगा।